जिन धर्म शास्त्रों को वो कहते हैं कि उसमें सिर्फ यही सब भरा हुआ है, उसकी वास्तविकता क्या है? आप में से बहुतों ने अगर नाम सुना हो तो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हुए, अल्बर्ट आइंस्टीन जिन्होंने रिलेटिविटी की थ्योरी दी, एटम बम बनाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने जब एटम बम का पहला विस्फोट किया तो उन्होंने कहा मुझे इसमें श्रीमद् भगवद गीता का, भगवान कृष्ण का वह वाक्य नजर आ रहा है कि यदि सृजन में हूं तो विध्वंस भी में। तो एटम बम बनाने वाले वैज्ञानिक को इसमें से ज्ञान दिखता है। वर्नर हाइजनबर्ग जैसे अनिश्चितता का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक ने कहा कि 1929 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ डिस्कशन के बाद जो मेरे मन में सिद्धांत को लेकर कंफ्यूजन था वो दूर हुआ, ये किताब में लिखा उसे। इरविन श्रोडिंगर ने अपनी किताब, अगर आप में से जिन्होंने फिजिक्स या मैथ्स पढ़ी होगी, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत गहरे विषय का प्रतिपादन किया है। इरविन श्रोडिंगर ने अपनी किताब माय व्यू ऑफ लाइफ में पूरा एक चैप्टर वेदांत के ऊपर लिखा हुआ है। आप कल्पना करिए कि उनको तो विज्ञान नजर आ रहा है जो विश्व के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, और हमें सिर्फ अंधविश्वास नजर आ रहा है। आजादी के इस अमृत काल में हमें इसमें से बाहर निकलने की जरूरत है। इसीलिए विगत 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया और उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्रता के 75वें वर्ष से जब 100वें वर्ष में प्रवेश करेंगे तो यह 25 वर्ष का कालखंड अमृत काल होगा, इसके लिए उन्होंने 5 संकल्प कहे। पहला संकल्प उन्होंने क्या कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। दूसरा, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए क्या करना है? गुलामी की मानसिकता की हर चीज से अपने को मुक्त करना है। तीसरा, अपनी विरासत पर गर्व करना है। चौथा, इसके लिए सबको कर्तव्य करना है। और पांचवा, वह कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। अब आप देखिए, इसलिए मैंने आपसे कहा कि हमारे दिमाग पर गुलामी की मानसिकता की ऐसी तमाम चीजें रखी हुई हैं जिसकी वजह से हम अपने सच को देखते हुए भी देख नहीं पाते, हम अपने यथार्थ को भी देखते हुए नहीं देख पाते हैं, और देश के बारे में जो वास्तविक सत्य है उसे सत्य न मानकर कुछ दूसरा ही सत्य समझने लगते हैं, और जाने अनजाने में आज की युवा पीढ़ी बहुत भारी मात्रा में उससे प्रभावित होती जा रही है। इसीलिए मैं यह कोट करना चाहूंगा कि एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला 2003 में, उनका नाम है वी एस नायपॉल। उन्होंने लिखा है कि यह देश एक विचित्र देश है जहां पर कि राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाला इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है, राष्ट्रवाद को कमजोर करने वाला इतिहास पढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा यह देश विचित्र देश है जो अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता है, विदेशियों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। उन्होंने कहा मैंने दुनिया में घूम के देखा, मुझे कोई ऐसा देश नजर नहीं आया कि ब्रिटेन कभी नहीं कहता कि मैं फ्रेंच के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता हूं, कोई जर्मन कभी नहीं कहता मैं स्पेनिश के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता हूं, कोई पुर्तगीज नहीं कहता कि मैं डच के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता हूं, पर सिर्फ भारत ये कहता है कि हम विदेशियों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानते हैं। और इतना ही नहीं, उसने कहा विदेशियों में भी ये उनके इतिहास को प्रामाणिक मानता है जिन्होंने इस पर हुकूमत की, जिन्होंने जो इसके दुश्मन थे, जो दुश्मन नहीं थे उनके लिए इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता। ये मार्को पोलो ने क्या लिखा कहता है उसमें तो संदेह है, चीन से आए हुए यात्रियों ने, वेन सॉन्ग, इत सिंह, फाहियान ने क्या लिखा उसमें तो संदेह है, मगर फतुहते फिरोजशाही में क्या लिखा वो सच है, विंसेंट स्मिथ लेन पुल ने क्या लिखा वो सच है। उन्होंने कहा ऐसा विचित्र यह देश है, और उन्होंने ये कहा इसलिए उन्होंने किताब लिखी थी इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन, भारत एक आहत सभ्यता। तो आज इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में या अमृत काल में हमें उस वुंड से, यानी जो हमारे ऊपर चढ़ा के रखा गया है, उससे अपने को बाहर निकालने की जरूरत है। अब मैं उसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, इस उड़ीसा के क्षेत्र में, आज से 200 साल पहले साक्षरता दर क्या रही होगी? आप कहेंगे 2-3%। मगर फैक्ट्स जानते हैं क्या है? फैक्ट यह है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में 1812 में सबमिटेड रिपोर्ट के अनुसार, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसके गवर्नर थॉमस मुर्रो ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उस बंगाल प्रेसिडेंसी में आज का पूरा वेस्ट बंगाल, आज का पूरा बांग्लादेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा आता था। और उसमें उन्होंने लिखा है कि यहां के हर गांव में एक स्कूल है,
और उल्लेखनीय बात है कि गुरुकुल को स्कूल नहीं माना है। उन्होंने कहा ये स्कूल अलग है, ये तो छह सात बच्चे एक साथ एक ही टीचर के साथ वर्षों बरस तक पढ़ते रहते हैं, उसमें तो बहुत सारी धार्मिक शिक्षा दी जाती है, उसको स्कूल नहीं मानते। बाकायदा उन्होंने छह सात विषय रखे हैं जहां मैथ्स पढ़ाई जाती हो, साहित्य पढ़ाया जाता हो, आर्टी क्राफ्ट पढ़ाया जाता हो, अनेक प्रकार की चीजें कैसे बनाई जा सकती हैं वो पढ़ाया जाता हो, उसका विस्तृत वर्णन है। और ये कोई सर्वे किया हुआ डाटा नहीं है कि सैंपल सर्वे कर लिया 2-4 हजार लोगों का और उसके आधार पर कह दिया। उसने टॉमस मुर्रो ने एक एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यह आदेश दिया कि अपने क्षेत्र के हर गांव में जाकर वेरीफाई करो कि एक स्कूल में कितने बच्चे हैं। तो डाटा इस ढंग से आया कि इस स्कूल में 33 बच्चे हैं, तो इसमें 43 बच्चे हैं, तो इसमें 26 बच्चे, उसके आधार पर पढ़ने वाले छात्रों की जातिवार संख्या है, और इतना ही नहीं शिक्षकों की भी जातिवार संख्या है। और जिनको आज हम और साक्षरता दर कितनी है 90%, और जिन्हें हम आज निचली जातियां कहते हैं उनके सिर्फ छात्रों का ही संख्या नहीं लिखी है, शिक्षक कौन कौन थे उनको था उसमें, जो सबसे जिनको हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में भी आज सबसे निचले पायदान पे मानते हैं, उनके एक नहीं दर्जनों शिक्षकों का वर्णन है वहां पर। और यह रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, वहां सबमिटेड है। और उससे भी मजेदार बात बताएं, 1931 में अक्टूबर में जब गोलमेज सम्मेलन के लिए महात्मा गांधी गए तो उन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन के में चैंटम हाउस, ये वही चैंटम हाउस जहां जाके राहुल गांधी जी आज ज्ञान दे रहे हैं, वहां पे महात्मा गांधी ने इसी चीज को रेखांकित किया कि 100-125 साल पहले, यानी 1931 से 100-125 साल पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था, उन्होंने वर्ड यूज किया इट वॉज अ ब्यूटिफुल ट्री विच वॉज अपरूटेड एंड डिस्ट्रॉयड बाई ब्रिटिशर्स। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, ब्रिटिश पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट है, महात्मा गांधी ने उसका उल्लेख किया है, और 1939 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पूरी रिपोर्ट दोबारा से पब्लिश की। अब आप सोचिए आजादी के बाद तो ये चीजें हमारे पाठ्यक्रम में आनी चाहिए थी, मगर जिस व्यक्ति ने जाकर कई साल ब्रिटेन में लगाकर उन सारे डॉक्यूमेंट्स को निकाला, वो आजादी के बाद जेल में डाल दिया गया, क्योंकि कहा गया कि 1962 के चीफ युद्ध के समय उसने नेहरू जी की आलोचना कर दी थी। अच्छा, आपके मन में यह भी प्रश्न उठेगा कि अगर हमारे पास 1812 में इतनी अच्छी शिक्षा थी तो हम फिर अशिक्षित कैसे हो गए, स्वाभाविक है ना प्रश्न उठना। वो जानते क्यों हुआ, आप ऐसे समझिए जैसे अभी आपने देखा होगा कि जब तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान को तो उसने कहा कि जितने लोगों के पास पिछले रिजीम की डिग्रियां थी वो सब रद्द। तो आप कल्पना करिए कि कोई तालिबान जैसी हुकूमत भारत पर कब्जा कर ले, अब वो कहे आज से हिंदी अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा का पढ़ा लिखा का मतलब पढ़ा लिखा नहीं, अब अरबी फारसी का पढ़ा लिखा मतलब पढ़ा लिखा, तो हमारी रेट ऑफ लिटरेसी आ जाएगी जीरो पे। तो आप कहेंगे ठीक है साहब आपकी सरकार आ गई है तो हम अपने स्कूलों में पढ़ाना शुरू करते हैं, नो ऑल स्कूल डीरिकग्नाइज, अब हम जो खोलेंगे मदरसे उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, उसमें भाषा सीखनी पड़ेगी, तब आप शिक्षित होंगे। तो पीढ़ियां लगेंगी, नए स्कूल खुलेंगे, लोग एडमिशन लेंगे, फिर 50-60 साल के बाद आपको बताएंगे कि आप तो अशिक्षित थे। 1837 में यही हुआ, जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई तो लोग दो ही भाषाएं जानते थे जिसे आज हम क्षेत्रीय भाषाएं कहते हैं, यानी प्राकृत भाषा और संस्कृत, दोनों का पढ़ा लिखा मतलब पढ़ा लिखा नहीं, अंग्रेजी पढ़ा लिखा मतलब पढ़ा लिखा, ऑल स्कूल्स डी रिकग्नाइज्ड, वो स्कूल जो उसने कहा था हर स्कूल हर गांव में एक स्कूल है डी रिकग्नाइज। अब ब्रिटिश सरकार जो स्कूल खोलेगी वही मान्यता प्राप्त माने जाएंगे और उन्हीं में एडमिशन लेके पढ़ना पड़ेगा।